जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में दोस्तों हम मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न आपको बताएंगे। दोस्तों ये प्रश्न मैं अपने टेलीग्राम ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर अपलोड करता हूं और वहां से कईयों छात्र इन पर जवाब देते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न आपको दिख रहा है तो इस प्रश्न का जवाब लगभग 1358 छात्रों ने दिया है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है उसको 1377 लोगों ने जवाब दिया है। तो ऐसे ही मैं इस चैनल पर स्टडी मटेरियल MPPSC की परीक्षा से रिलेटेड और क्वेश्चंस अपलोड करता रहता हूँ, जिनके आप जवाब दे सकते हैं, अपने लिए स्टडी मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप @studymaterial MPPSC डालेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना सर्च नहीं कर सकते तो आप @ टेलीग्राम पर, आपको टेलीग्राम ऐप पर @MPPSC सर्च करना है। MPPSC सर्च करेंगे तो आप एक ग्रुप में चले जाएंगे, वो ग्रुप भी हम ही मैनेज कर रहे हैं। उसमें लगभग 12,000 से ऊपर छात्र जुड़े हुए हैं, MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और ये टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है। पिछले 2 साल से ये सक्रिय है। तो उस ग्रुप पे आप चले जाएंगे, वहाँ से आपको इस चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इस चैनल से स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैं, इससे आपको क्या है ये आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट किन्हीं क्वेश्चंस का किस तरीके से जवाब देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन है नर्मदा, बेतवा, छिप्रा और चंबल। तो दोस्तों 38% छात्रों ने गलत जवाब दिया है, नर्मदा दे दिया है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहते हैं, ठीक है। दोस्तों इसी में एडवांस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की गंगा तो बेतवा है, मालवा की गंगा किसको कहते हैं? तो दोस्तों मालवा की गंगा हम छिप्रा को कहते हैं, ठीक है। छिप्रा के किनारे ही आपका उज्जैन शहर बसा हुआ है। इसको 1358 लोगों ने वोट किया था और 38% लोगों ने गलत जवाब दिया, इसका मतलब काफ़ी सारे लोगों ने गलत जवाब दिया इसका। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल सरल है, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो दोस्तों सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है और लगभग ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, 78% लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महाकवि केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया में किस नदी के तट का आकर्षण वर्णन किया गया है? दोस्तों जो केशव दास जी थे उन्होंने एक उनकी ये एक रचना है रसिक प्रिया, इसमें उन्होंने बेतवा के तट का आकर्षक वर्णन किया है। लेकिन दोस्तों 1274 लोगों ने वोट किया है इसके लिए, 1274 लोगों ने जवाब दिया और सबसे ज़्यादा जवाब जो आया है वो नर्मदा के लिए आया है, नर्मदा 39%, जबकि नर्मदा गलत है। आपका सही आंसर क्या है? बेतवा। दोस्तों जहाँ पर भी नर्मदा आ जाता है ज़्यादातर बच्चे नर्मदा पे टिक कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर देखा है, आगे के प्रश्नों में भी आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार मध्य प्रदेश की किस नदी को भगवान सूर्य की पुत्री माना गया है? तवा को, ताप्ती को, बेतवा को या बेत्रवती को? तो दोस्तों इसका तो लगभग सभी ने सही आंसर दिया है ताप्ती, ठीक है। ताप्ती इसका सही आंसर है। महाभारत के अनुसार सूर्य देव की पुत्री ताप्ती नदी को माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों जहाँ भी जलप्रपात आ जाता है बहुत से बच्चे जबलपुर लगा देते हैं बिना देखे समझे कुछ भी, ठीक है, क्योंकि जबलपुर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जलप्रपात हैं, जैसे भेड़ाघाट है, ठीक है, तो इसलिए लोग जबलपुर। देखो 31% लोगों ने जबलपुर लगा दिया, जबकि इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनूपपुर। जो कपिलधारा जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी आपके अनूपपुर से निकलती है, वहीं पर है ये, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों डचेस फॉल बहुत ही फेमस है और 72% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, डचेस फॉल आपका पंचमढ़ी पर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों ये भी बहुत ही फेमस प्रश्न है और इसका भी सही आंसर ज़्यादातर 72% लोगों ने सही आंसर दिया है, चचाई रीवा में, रीवा ये आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट, पंचमढ़ी, सिरमौर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 92% लोगों ने, 1520 लोगों ने इसका आंसर दिया था और 92% लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, ये तो लगभग सभी को मालूम रहता ही रहता है। अगला प्रश्न है, श्योपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यहाँ पर लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे, चंबल, कालीसिंध, खान और पार्वती। दोस्तों इसका आंसर है चंबल, ज़्यादातर लोगों को सही मालूम था लेकिन कालीसिंध में 29% लोग
गलती कर गए, उनको कन्फ्यूज़न हो गया। अगला प्रश्न है, आष्टा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों आष्टा आपके भोपाल के पास में एक तहसील है आष्टा, वह पार्वती नदी के किनारे बसी हुई है। तो 65% लोगों का जवाब बिल्कुल सही था। अब हम आगे बढ़ते हैं, रीवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यहाँ पर कुछ लोग गलती कर गए, 27% लोग बेतवा लगा गए, जबकि सही आंसर है बिछिया। और दोस्तों ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि रीवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। 56% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 1536 लोगों ने इसका जवाब दिया था। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों यहाँ देखो फिर से गच्चा खा गए, जहाँ पर भी नर्मदा दिखता है लोग बाग नर्मदा लगा देते हैं। 36% लोगों ने नर्मदा लगा दिया जो कि गलत है, 49% लोगों ने तवा लगाया है जो कि सही है, पचमढ़ी आपका तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों मंदसौर सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है, 60% लोगों ने बिल्कुल सही किया है, 19% ने माही लगा दिया, 12% ने नर्मदा लगा दिया, ठीक है। अगला है दोस्तों, सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सिरोंज विदिशा में। केवल 44% लोगों ने सही लगा पाया, यहाँ तक कि 18% लोगों ने तो ये बोल दिया कि मध्य प्रदेश से बाहर है सिंध नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। कुछ लोग ये गांव का नाम देखकर शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, तो उन्होंने सोचा होगा किसी गांव से निकली होगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली नहर किस जिले में बनाई गई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में बैनगंगा नहर बनाई गई थी बालाघाट जिले में। तो 50% लोगों ने सही जवाब दिया है, 30% लोगों ने जबलपुर लगा दिया, 11% ने देवास लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस के आंसर दिया करेंगे डेली, तो उससे आपको ये मालूम चलेगा कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या था, ज़्यादातर बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं, सही आंसर टिक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए जो कि काफ़ी एक्टिव है, वहाँ पर स्टूडेंट एक दूसरे की काफ़ी मदद करते रहते हैं, मैं देखता हूँ, और स्टडी मटेरियल शेयर भी करते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आप चैनल वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रश्नों के आंसर ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय माता दी।